बुलेटिन की शुरुआत आज कश्मीर की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। इनकम टैक्स की टीमों ने मुल्क की 11 रियासतों में 64 मकामात पर छापे मारे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से यूफ्लिक्स पर छापे मारे गए। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मुतादित मकामात पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के बरी ब्रह्मणा सनती इलाके में महकमे इनकम टैक्स की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर सिडको में यूफ्लिक्स लिमिटेड के 4 प्लांट पर छापा मारा। जराए के मुताबिक लेन देन में बड़ा तजाद पाया गया है और इसकी छानबीन जारी है। एसआईए ने जम्मू कश्मीर में कई कार्रवाई की है। नार्को टेररिज्म केस के सिलसिले में ताजा छापे मारे गए हैं। बारामुल्ला, अनंतनाग, पुलवामा, बदगाम और सोपोर में कई मकामात पर छापे मारे गए हैं। बदगाम के नसरुल्लापुरा में भी छापा मारा गया है, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। दो विंडो में ये मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए हैं। बारामुल्ला, अनंतनाग, इसके अलावा बदगाम, नसरुल्लापुरा, ये तमाम मकामात हैं जहां पर आज छापे मारी कार्रवाई अंजाम दी गई है। पीडीपी तर्जुमान एडवोकेट सैयद इकबाल ताहिर ने कश्मीर में एसआईए के छापों पर रद्देअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि पीडीपी हुकूमत की तरफ से किसी भी ऐसे इकदाम का खैर मकदम जिससे कश्मीर में मंशियात की लानत का खात्मा हो। उन्होंने कहा कि एक बड़ी साजिश के तहत कश्मीरी नौजवान मंशियात के इस्तेमाल का शिकार हुए हैं। इनका कहना था कि सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि तमाम शहरियों की इज्तमाई जिम्मेदारी बनती है कि वो इस लानत के खिलाफ आवाज बुलंद करें। देखिए, यहाँ पे जो भी हो रहा है वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे जो ड्रग्स की वबा है उसको ख़त्म किया जाए। सरकार की ही जिम्मेदारी है कि अगर यहाँ पे इस तरीके से ड्रग्स फैल चुके हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसका नाम निशान कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे हमारी यूथ को बचाया जाए कि वो गलत हालतों में न पड़े, गलत आदतों में न पड़े, सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है एक कॉन्स्पिरेसी के तहत यहाँ पे ड्रग्स को फैलाने दिया गया है ताकि जो हमारी यूथ है उसका फ्यूचर खत्म हो, और इस जिमन में अगर कोई भी कदम उठाया जाए हम उसका वेलकम करें। पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका लगा है। दहशतगर्द बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम को गोली मारकर हलाक किया गया है। बशीर को रावलपिंडी में एक दुकान के बाहर हमलावर ने गोली मारकर हलाक कर दिया। बशीर अहमद असल में बारबरपुरा कुपवाड़ा का रहने वाला था और मरकजी हुकूमत ने UAPA के तहत दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने पर इसे दहशतगर्द करार दिया था। महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट रिन्यूअल की अर्जी को मुस्तद कर दिया गया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने पीडीपी सदर की दरखास्त खारिज कर दी है। इस मामले पर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता का कहना है कि कौमी सलामती के मसले को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया गया है। याद रहे कि महबूबा मुफ्ती ने वजीर खारजा एस जयशंकर को खत लिखकर यह मामला उठाया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने महबूबा मुफ्ती का जो पासपोर्ट है उसको रिजेक्ट किया है। इस सारे मामले में ये सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के एक थ्रेट है। बाहर के देशों में जाकर के किसके सांठगांठ करेंगी, किस प्रकार से पर माहौल खराब करने का प्रयास करेंगी। सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा जो जांच की गई है उससे अभी मुझे लगता है कि इन सभी विषयों को लेकर के उनको पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। और देश की सुरक्षा एजेंसियां और खास करके जो ये डिपार्टमेंट्स रहते हैं जो उनकी जांच करते हैं उनकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ही ऐसा किया गया। कश्मीरी स्टूडेंट्स का मुल्क से गद्दारी का केस आगरा से सहारनपुर ट्रांसफर कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल को सहारनपुर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट को मुंतकिल किया है। क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की कश्मीरी तलबा ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के हक में नारे लगाए थे और जश्न मनाया था। यह मामला T20 वर्ल्ड कप 2021 से जुड़ा हुआ है। 3 कश्मीरी तलबा पर मुल्क से बगावत का यानी गद्दारी का केस दर्ज है। बॉलीवुड के मशहूर नगमा निगार जावेद अख्तर ने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान को ही खूब लताड़ा है, बल्कि ये कहें तो बेजा ना होगा कि जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। दरअसल लाहौर में फैज फेस्टिवल रखा गया था। यहां जावेद अख्तर ने पाकिस्तानियों को चुभने वाली खरी खरी बात कह दी। जावेद अख्तर ने 26/11
दहशतगर्दाना हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमलावर अब भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। उनका कहना था कि ये शिकायत अगर एक हिंदुस्तानी के दिल में है तो पाकिस्तानियों का इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। जावेद अख्तर का कहना था कि दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी कम होनी चाहिए। तो ये मैं यहाँ में तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम ना दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। स्मिता प्रकाश के साथ इंटरव्यू में वजीर खाजा एस जयशंकर ने आर्टिकल 370 की असल हैसियत को उजागर न करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया इस मामले में बददियानती से काम लेता है, लेकिन भारत अपना बयानिया दुनिया को समझाने में कामयाब हुआ है। इवन सिटीजनशिप, व्हेन यू स्टार्ट रीजनिंग विद पीपल, आस्क देम सेइंग ओके टेल मी, डू यू नॉट हैव अ क्राइटेरिया ऑफ सिटीजनशिप, Do you not use language? Or some people use religion. People use language, they use religion, they use education. Some of them even use income. Some use ethnicity. So when you tell people saying, look, reflect on your citizenship practice. I mean, what do you do? So often what happens is, and see, that's where the narratives is very powerful. Read the bulk of international papers, especially the Anglosphere papers, but all of them. How many of them tell you 370 was a temporary provision? I challenge you to show me one. Yeah. They don't. It's written there in bold letters, in capital letters in the Constitution. But then that's because India itself didn't put across that point of view. No, right? Sorry. I can put across something if you have shut your ears to it. No amount of hammering away at it. It's not. See, when Kashmir was being discussed, Pakistan used to keep saying plebiscite. Till the 90s, that word plebiscite kept hammering. It was, that it is a disputed issue. India's narrative started being heard. Unless you are loud and you impose your narrative, you don't get heard in the world. No, I completely agree with you, Smita. So I try not to be loud. I try to get my narrative across in an elegant and effective way, maybe at times sharper than people may want. But I accept your point that we need to get our narrative across, and that is exactly what we are trying to do in foreign policy. जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली में एजुकेशन फेयर प्रोग्राम में पहुंचे। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह, मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान भी यहां मौजूद रहे। दरअसल जम्मू कश्मीर की शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जेर एहतमाम यहां बैन अक्वामी तालीमी मेले का इनेकाद किया गया था। ये मेले का इनेकाद दिल्ली में किया गया था, जहां पर ये तमाम मेहमान पहुंचे थे। To invite students from abroad for both short-term and long-term courses in Jammu Kashmir for value-based quality education to ensure creation of enlightened global citizens. And I want to assure you that we are not going to offer just a degree or a diploma, but also wisdom of 5,000-year-old rich civilization of India. I always believe that learning is a way of life, and we are going to offer students an opportunity to elevate their intellectual as well as spiritual experiences. I am not exaggerating, but any other universities and educational institutions in the world cannot match the scenic beauty as far as location of the campuses is concerned, and not to forget the inclusive cultural ecosystem, which is living example of rich, intense and diverse society. We have a dedicated center for Central Asian Studies
We are also encouraging local companies to go global in the agriculture and textile sector, and I think students from the foreign countries would be interested to see how our mechanical and digital intervention is helping the farmers and women entrepreneurs of hilly areas to reap the benefits. Last year, we have set up an apex committee for holistic development of agriculture and allied sector. And on the basis of its recommendation, we are implementing 29 projects worth rupees 5,013 crore, which will transform subsistence agriculture into sustainable commercial agri economy. We are hoping the productivity gains will ensure our gross agricultural output, which is to be the tune of 37,559 crore per year, will grow to 65,701 per year over next 5 years. We are number one in terms of production of saffron, apple, walnut and almond in India. With sustained reform process in the last 3 years, J&K is now among the top 5 states of the country in terms of monthly farmer incomes. Last year, we had signed an agreement with New Zealand to transform our livestock sector, and I am confident agriculture and allied sector will provide a fertile ground for interested students for research, innovation and value creation. Besides French campuses nestled in nature's paradise, excellent faculty and high standard of living, Jammu Kashmir is also offering wide variety of courses and degrees, starting from artificial intelligence, robotics to architecture, yoga and Sanskrit with a new biotech park. We are also encouraging our educational institutions to develop a closer interface with the industrial world, which will definitely incentivize students to focus on advanced research activities. Friends, we all know that the COVID pandemic made the world realize the hard way the virtues of culture, humanity, spirituality and well-being. The paradigm shift towards virtues of the life which humanity is witnessing is also an opportunity for enhancing quality of life by exchange programs between the countries and the learn from each other. Live for each other and enable each other to achieve greater heights in our journey. आगे बढ़ेंगे। जिला रामबन के दलवा संगलदाल में जमीन के खिसकने से 16 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और दर्जनों अब खतरे की जद में हैं। वहीं मुतासरीन इस सर्द मौसम में आरजी टेंटों में रहने पर मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर में जमीन खिसकने और घरों के तबाह होने के वाकयात में होने वाले इजाफे ने माहिरीन को भी सख्त तशवीश में डाल दिया है। जिला डोडा के ठाठरी के बाद जिला रामबन के दलवा डक्सर संगलदान में ताजा मामला पेश आया है। गुज़िश्ता 3 दिनों से यहां लगातार जमीन खिसकने के वाकयात पेश आ रहे हैं। ए पास ही आई, हमको पता चला मकान हलने लगा, तो हम बागी बार जो जितने में मकान स्लाइड में चले गया, कुछ सामान हमने और कुछ थले आ गए। 10 ही परिवार में कोई 10 ही, कोई 8 ही, कोई 9 ही। हमारे लिए कोई गवर्नमेंट के से हम अर्ज करते हैं जी, हमारे लिए कहीं ठिकाना बनाए। डीवी साहब ने बोला जी उधर आगे जंगलात वालों के पास उधर टेंट लगाओ, उधर हम टेंट शेंट लगाए, हमने हमारे पास माल है उसको लेकर कहाँ जाएंगे। बस्ती को जो है पूरी तरह से इस पसीने अपनी लपेट में लिया हुआ है। जो उनके पास था वो उन्होंने किया, टेंट वगैरह जो है उन्होंने अभी तक हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, वो फॉरेस्ट एरिया में लगवाए भी हैं, लेकिन वो नाकाफी है। इस वक्त इनके घर सब चीज़ें जो हैं वो उजड़ चुकी हैं, आशियाने इनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उसके साथ साथ जो इनके पास लैंड वगैरह थी वो भी बह चुकी है इस पसी में। तो ना इनका कोई ठिकाना अब रहा है, ना इनके पास कोई और खाने पीने की कोई व्यवस्था मौजूद है। तो इस सूरत में मैं लोकल लेवल पर भी पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि वो लोकल लेवल पर भी इन लोगों की मदद करें। तो बहुत नुकसान हो गया, यहाँ के जो गुजर बस्ती हमारी थी ये सारी बेघर हो चुकी है। तो इसलिए इल्जामिया से गुजारिश है कि इनके लिए कोई बंदोबस्त ठीक तरीके से किया जाए, और बाकी
से भी अपील करते हैं हम कि वो भी इनकी कोई मदद करें ताकि इनका कोई सहारा बन सके। अब कोई टेंट शेंट लगाए हैं इधर फॉरेस्ट लैंड में तो वो भी आर्जी है, ऊपर से मौसम की भी खराबी है, अगर मौसम ख़राब हो गया तो फिर इनका रहना बहुत मुश्किल है और इनको खाने पीने का भी कोई इल्ज़ाम अभी नहीं है। जो रिलीफ केसेस हैं उसके लिए मैंने डायरेक्शंस दी हैं कि आप इमीडिएटली जो है वो रिलीफ केसेस जो है वो प्रोसेस करें ताकि एटलीस्ट वन रूम बेस्ड जो प्रीफैब स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाएं ताकि हम इन्हें टेंट से उनमें शिफ्ट करें टिल परमानेंट रिहैबिलिटेशन का जो हमको जियोलॉजिकल जो टीम है फ्रॉम IIT जम्मू और फ्रॉम जियोलॉजिकल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट आएगी। इन द मीन टाइम मैंने रेलवेज वालों को भी लिखा है बिकॉज दे हैव ऑल्सो द रिक्विजिट एक्सपर्टाइज, वो आके देखेंगे कि एक्टिविटी क्या, बट इट लुक्स टू बी जियोलॉजिकल इवेंट्स होते रहते हैं। वी आर इन ए जोन विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट यंगेस्ट माउंटेन्स, हमने 33 kV लाइन बंद कर दी है इस वक्त। वही फारूक अब्दुल्ला आज जिला गांधरबल के गगनगीर में रेजान इलाके के दौरे पर रहे, उन्होंने यहाँ लैंड स्लाइड से तबाह हुए इलाकों का जायजा लिया। फारूक अब्दुल्ला ने लैंड स्लाइडिंग से होने वाले नुकसान का मुआयना किया और मुतासर खानदानों से बातचीत की। उन्होंने यहाँ के मकीनों को हर मदद दिलाने का यकीन भी दिलाया और जिला इंतजामिया पर जोर दिया कि मुतासर खानदानों की बाज आबादकारी का काम अंजाम दिया जाए और इन्हें मुआवजा भी दिया जाए। आपको बता दें कि एक दिन पहले इस इलाके में बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइडिंग हुई थी जिसके नतीजे में 1.5 दर्जन से ज्यादा रिहायशी मकान और कई दुकानों के अलावा चंद गाँव खानों को नुकसान पहुंचा है। इन लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ, शुक्र है जान का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि यह सुबह 7 बजे आया, जान मगर सब कुछ बाकी लूट गया है, इनके पास कुछ नहीं रहा और मवेशी तक नहीं रहे, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें फौरन इनकी इमदाद करनी है। पहले इनके लिए एक जमीन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ इनको बसाना है, उसके बाद इनके मकानों के लिए जो कुछ भी देना पड़े उसके लिए हम लोगों को वो इंतजाम करना चाहिए। उसके साथ साथ जो इनका नुकसान हुआ पूरा तो नहीं कर सकते मगर जितना वो पूरा कर सकते हैं इनके नुकसान को पूरा करना पड़ेगा कि ये फिर से जिंदा रह सकें, इज्जत से जिंदा रह सकें, उसके लिए हमने कोशिश करी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि जायदाद टैक्स नाफिज होने को लेकर बड़ी खबर आ रही है, 1 अप्रैल से जायदाद टैक्स नाफिज होगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी कर दिया है, टैक्स की वसूली का फॉर्मूला भी दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं, जायदाद टैक्स नाफिज होने की खबर है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का फॉर्मूला भी दिया गया है, मुतालिका अफसरान को दरकार हिदायत भी दी जा रही है। आपको बता दें कि शहरी इलाकों में तमाम जमीनों का टैक्स लेने की राह इस नोटिफिकेशन के साथ ही हमवार हो जाती है। तो 1 अप्रैल से जायदाद टैक्स नाफिज हो जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स को नाफिज कर दिया जाएगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, LG इंतजामिया की तरफ से कर दी गई है। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का फॉर्मूला भी दिया गया है और इसके अलावा जो मुतालिका अफसरान हैं उन्हें हिदायत भी दी जा रही है। शहरी इलाकों में तमाम जमीनों का टैक्स लेने की राह इस नोटिफिकेशन के साथ ही हमवार होती हुई दिखाई दे रही है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके जरिए 1 अप्रैल से जायदाद टैक्स अब जम्मू कश्मीर में नाफिज होगा। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का फॉर्मूला भी के साथ ही नोटिफिकेशन के साथ ही दिया गया है, मुतालिका अफसरान को हिदायत भी दी जा रही है जो की दरकार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कश्मीरियत, इंसानियत और ईमानदारी की मिसाल फिर एक मरतबा देखने को मिली। गुलमर्ग के कंगडूरी में मुर्तजा मिराज नामी एक लड़के को स्की करने के दौरान रास्ते में 1.5 लाख का आईफोन मिला जो नेपाल से ताल्लुक रखने वाले एक सयाह का था, लेकिन वो वापस नेपाल लौट चुका है। उसके बावजूद नेपाली सयाह को कीमती फोन वापस लौटाया गया। मुर्तजा मिराज ने इसकी के दौरान कीमती फोन को उठाया और फौरन उसे अपने वालिद मिराजुद्दीन के हवाले कर दिया। उसके वालिद गुलमर्ग में ही महकमे सयाहत में बतौर इसकी पेट्रोलिंग माहिर तैनात है। मिराजुद्दीन इस फोन से मुतालिक जानकारी तेजी से महकमे सयाहत की वेबसाइट पर डलवाई और दिगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी जानकारी शेयर की गई। महकमे सयाहत की वेबसाइट पर अपना फोन देखकर नेपाल के सयाह ने सैर के दौरान
फोन गुम हो जाने की तफसील बताई, ताहम उन्होंने अब इसे यहाँ गुलमर्ग में अपने एक दोस्त के हवाले करने को कहा है। नेपाल से अपने एक वीडियो मैसेज में इसे सयान ने मुर्तजा और उनके वालिद की ईमानदारी और कश्मीरियत की सराहना की है और वो काफी मुतासिर भी हुए। इन्होंने कश्मीरियों की इंसानियत, कश्मीरियत और ईमानदारी की सताइश की है। इन्होंने अपने पैगाम में कहा कि वो अगले साल इस लड़के को तोहफा भी देंगे। मैं परसों चेयरलिफ्ट से गंगोर आ रहा था। मैंने चेयरलिफ्ट पे आईफोन 11 प्रो मैक्स उठाया, फिर मैंने बाबा को दिया, वो स्की पेट्रोल में काम करता है। फिर उसने कश्मीर टूरिज्म एडवेंचर पे पोस्ट किया, हमें एक रिप्लाई आई, वो नेपाल का था कोई जिसका वो फ़ोन था, और मेरे बाबा ने उसके फ्रेंड को दिया और वो उस तक पहुँचाएगा नेपाल तक। नमस्ते भाई जान, आपका नाम है मुर्तजा मेहराज, प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है पर इट्स ओके। थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग माय फोन देयर एंड गिविंग बैक टू मुस्तफा सर। आई रियली अप्रिशिएट योर काइंडनेस एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू योर काइंडनेस। शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली बार, अगली साल आएंगे तो हम मिलेंगे। मैं थोड़ा नेपाल की तरफ से स्मॉल सा गिफ्ट भी लाऊंगा आपके आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीता है। विवेक अग्निहोत्री ने अवार्ड जीतने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने इस जीत पर मुबारकबादियां उन्हें मिल रही हैं। फेस्टिवल मुंबई में मुनक्किद किया गया था जिसमें बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात मौजूद रहीं। विवेक अग्निहोत्री को कश्मीर फाइल्स को 2023 दादा साहब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिलने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। विवेक को ये अवार्ड उनकी बहादुरी के लिए मिला है, उनके साहस के लिए मिला है। वो साहस जो उन्होंने एक ऐसे विषय को लेकर फिल्म बनाई उसको लेकर कई बुद्धिजीवी भागते थे, एक ऐसा दर्दनाक सच जिसे इतिहास के पन्नों में दबाया जाने का निरंतर प्रयास करता रहा है। विवेक अग्निहोत्री, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ऐसे सच के बारे में आप और फिल्में बनाएंगे और देश को जागरूक करेंगे, हिंदू समाज को जागरूक करेंगे और विश्व को जागरूक करेंगे कि कैसे एक छोटे से शांतिप्रिय समुदाय के साथ निरंतर अन्याय होता रहा है। कश्मीर फाइल्स को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है तो मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने एक महान कश्मीर फाइल्स मूवी बनाई और पीछे जो ऑस्कर में भी ये नॉमिनेशन हुआ था इसका, और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है तो एक बहुत खुशी की बात है कि ये जो एक रियलिस्टिक मूवी बनाई गई और कश्मीरी पंडितों का दुख और दर्द और उनके विस्थापन को लेकर पूरी दुनिया को उनने जानकारी दी, मैं तहे दिल से विवेक अग्निहोत्री जी और उनके पूरी टीम को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ने आज शूर्य चक्र कैप्टन तुषार महाजन को उनके 8वीं योम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया। फौजी अफसरान और तुषार वालिदैन के अलावा बड़ी तादाद में लोग उधमपुर में टीम मोड़ के करीब शहीद के मुजस्मे पर जमा हुए और इस मौके पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। वर्ष हो गए हैं और हम हर साल इस दिन कम से कम यहाँ जरूर आते हैं सभी लोग और श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। ये 7 साल का सफर कैसे गुजरा, इसकी पीड़ा तो वो ही जानता है जिसको हुई है, लेकिन फिर भी हमने इतना हौसला रखा है कि उसके नाम पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कहीं मार्टिन फैमिली को बुला करके उन्हें ऑनर किया जाता है, कहीं आई कैंप हो गए, स्कूलों में होगी, जब किसी गरीब गुरबे की हेल्प करना, ये हमारा एम है और ये करते आ रहे हैं। और शायद ये मिशन हमें तुषार ही दे गया है, उसने अपनी ज़िंदगी जीवन दे दिया इस देश की सेवा के लिए, और जो बाकी काम वो नहीं कर पाया
अल्पाजू में चला गया, वो काम हमें सौंप गया कि आप समाज के लिए कुछ करते रहिए। कश्मीर के स्कूलों में पहली बार मार्च सेशन इम्तिहानात मुनक्किद होने के सिलसिले में मुख्तलिफ स्कूलों में तालिबे इल्मों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सहूलियात का जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत SDM बीरवा तौफीक अहमद गाजी ने तहसीलदार मागाम और दीगर अफसरान के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम और दीगर स्कूलों में सहूलियात और इम्तिहानात को अहसन तरीके से मुनक्किद कराने का जायजा लिया। SDM बीरवा ने इस दौरान मुख्तलिफ दफातर का भी अचानक मुआयना किया, जहां मुलाजमों की हाजिरी भी चेक की गई। ने सही फरमाया कि आज पहली बार हमारा ये मार्च सेशन का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसी सिलसिले में हमने भी चाह के डिफरेंट जो सेंटर्स डिक्लेयर हुए हैं इस एग्ज़ाम आने वाले एग्जामिनेशन के लिए उनका दौरा किया जाए, उनकी देखी जाए, प्रिपरेशन का जायज़ा लिया जाए और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो वक्त रहते हुए उस प्रॉब्लम का इजाला किया जाए। आज का दौरा इस सिलसिले में था और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये इंस्टीट्यूट हमने विजिट किया, विसिनिटी में जितने भी ये गारमेंट ऑफिसेज हैं उनका भी दौरा हमने किया आज, ताकि मुलाजिमों की अटेंडेंस चेक की जाए, ऑफिसेज का डिफरेंट ऑफिसेज की फंक्शनिंग का जायजा लिया जाए। एशियाई आबी परिंदों की सालाना गिनती होकर सर वेटलैंड में इख्तिताम पजीर हुई। इब्तदाई अदादोशुमार से पता चलता है कि साइबेरिया से नकल मकानी करके आने वाले तकरीबन 5 से 7 लाख परिंदों ने इस साल होकर सर वेटलैंड को अपनी आवाज। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ शोबों के माहरीन और कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स ने मुश्तरका तौर पर परिंदों की गिनती की थी। अगरचे इस साल के दौरान परिंदों की कोई अनोखी नस्ल नहीं देखी गई, ताहम वादी के मुख्तलिफ आबी जखीरों में बाकायदा हिजरत करने वाले परिंदों की तादाद में इजाफा हुआ है। दिगर वेटलैंड के बारे में तफसीली रिपोर्ट आना बाकी है। जो कि न सिर्फ हमारे प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स में हुआ, बल्कि जो वादी के दूसरे मेजर वेटलैंड्स है जैसे डाल, वुलर, बर्ड नंबल, नरकरा, इन वेटलैंड्स में भी किया गया। देखिए अभी होकरा, मेरे पास सिर्फ अभी होकरा के ये सेंसस आए हैं, तो आई एम होपफुल कि ये बता रहे थे कि मोर देन 5 लाख बर्ड, ये ना बर्ड्स होकरा में होंगे इस टाइम देंगे। लेकिन एक बात ये है कि 5 लाख से ऊपर हमारा जो इस टाइम स्कोर है माइग्रेटरी बर्ड्स का वो तजावुज कर गया है। लास्ट ईयर कितना रहा था और इस बार कितना? इस साल लास्ट ईयर हमारा 5 लाख का करीब था और इस साल हमारा 5 और 7 लाख के बीच में डेफिनेटली हो रहा है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, हर एक बर्ड का काउंट अच्छा था एंड इट्स रियली अ गुड न्यूज कि होकर सर में जो मैनेजमेंट पर्पज बहुत, मतलब मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है बहुत अच्छा चला, उसका हमें मतलब फ्रूटफुल ये मिल रहा है इस वक्त, तो बस अच्छा रहा आज का सेंसस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। मादरी जबान के आलमी दिन के मौके पर आज जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से कॉन्फ्रेंस रूम टैगोर हॉल में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत पहाड़ी जबान के सरकर्दा अदीब दानिश्वर और कलमकार मोहम्मद अजीम खान ने की, जबकि कश्मीरी जबान के शायर फयाज दिलगामी, मोहम्मद मंशा खाकी और कल्चर एकेडमी डिविजनल ऑफिस कश्मीर के इंचार्ज फारूक अनवार मिर्जा भी ऐवान सदारत में मौजूद रहे। तकरीब पर शोबे कश्मीरी कश्मीर यूनिवर्सिटी के सरबराह शेख एजाज मोहम्मद ने मादरी जबान के हवाले से एक मुफस्सल मकाला पेश किया। तकरीब में महफिल मुशारा का भी अहतमाम किया गया। मुशायरे में अतराफ अकनाफ से आए हुए कश्मीरी, उर्दू, गोजरी और पहाड़ी जबानों के सरकर्दा शुरा ने अपना कलाम पेश किया। तकरीब पर फारूक अनमार मिर्जा ने कहा कि कल्चरल अकादमी अनकरीब अदबी महफिलों और मजलिसों का इनेकाद जारी रखेगी। जैसा कि आप जानते हैं 21 फरवरी जो है ये वर्ल्ड मदर टंग डे मनाया जाता है और आज इस सिलसिले में रियासती कल्चर एकेडमी ने यहाँ पे सेमिनार हॉल में एक जो नशिस्त मुनक़द की है, हम नशिस्तें कहेंगे, जिसमें कुछ ज़बानों के जो नुमाइंदा लोग हैं वो यहाँ पर आकर इस ज़बान के हवाले से बात कर रहे हैं और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बात कर रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ज़बानें जो मर रही हैं वो क्यों मर रही हैं कि हम अपने बच्चों में उसको पैवस्त नहीं कर रहे हैं। बच्चों में पैवस्त हम तभी कर सकते हैं, जो ईमानदारी की बात है कि जब बच्चों के लिए अदब तख्लीक किया जाए। पिछले 70 साल से एकेडमी ने कौन सा काम किया बच्चों के लिए कि आज वो दावा करेंगे कि बच्चे हमारे कश्मीरी नहीं बोल रहे, बच्चे हमारे पहाड़ी नहीं बोल रहे, बच्चे हमारे गोजरी बोल रहे हैं, डोगरी नहीं बोल रहे हैं। आप देखें
हर हिंदुस्तान में यूटी के बगैर हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पर बच्चों के लिए रिसाले निकलते हैं, बच्चों का अदब तख्लीक होता है, वो लिटरेचर बच्चे पढ़ते हैं, तो हम जैसे लोग बाद में तैयार होते हैं। जब हम पौधा ही नहीं लगाएंगे तो आप एक तनावर दरख्त की ख्वाहिश कैसे कर सकते हैं। 21 फरवरी है तो इसको इंटरनेशनल मदर टंग डे, मादरी ज़बान का बैन अवी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसकी एक हिस्ट्री है इसके पीछे कि बांग्लादेश में 1952 में कुछ लोग मारे गए थे, 5 लोग मारे गए थे जो मुतालबा कर रहे थे कि बंगला को उस वक्त जो पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान उस उर्दू के साथ साथ इसको सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाए। तो बाद में यूनेस्को ने इसको कहा कि जो दुनिया भर में हमारे पास जो ज़बानें बोली जाती हैं कि एक विरसा होती है, एक सरमाया होती है, एक मीरास होती है। तो हम देख रहे हैं आजकल के काफ़ी ज़बानें अब मादूम होती जा रही हैं, एंडेंजर्ड होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। तो इसको बचाने के लिए फिर एक तहरीक चली और यूनेस्को ने भी उसको अपना लिया उस करारदाद को कि 21 फरवरी को हम मादरी ज़बान के दिन के तौर पर मनाएंगे। और उसमें ये कोशिश होती है कि जो भी ज़बानें दुनिया भर में बोली जाए, हर ज़बान का कोई ना कोई बोलने वाला होता है जिसके लिए वो मादरी ज़बान होती है, विरसे को बचाएं। क्योंकि जब कोई ज़बान मरती है तो सिर्फ ये ज़बान नहीं मरती है, उसके साथ उस ज़बान में जो उसके इल्म होते हैं, उसकी हिकमत होती है, उसका विजडम होता है, उसके गीत होते हैं, उसकी कहावतें होती हैं, उसकी नज़में होती हैं, उसका अदब होता है, ट्रेडिशनल जो उसमें इलाज होते थे वो चीज़ें सारी वो दफन हो जाती है। 21 फरवरी को दुनिया भर में मादरी जबान के दिन के तौर पर मनाया जाता है जो मादरी जबान के तहफ़ और फ़रोग़ के लिए है। मादरी जबान माँ की तरफ से बच्चे को बुनियादी बातें सिखाने का वाहिद जरिया होती है। मारूफ मुसन्निफ़ीन ने मादरी जबान के आलमी दिन के मौके पर न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। सोचिए वक्त बल क्या है, सानी कशीर में बौद्ध आए, बट आए, तुर्क क्या है, अफगानी आए, अत पे काफ़ी वक्त वक्त पे अत काफ़ी असर, मगर तम वक्त इन सी बड़ मायानाज तो दूर अंदेश लुख लल दद कर प्रकाश राम कत कर प्रकाश राम कुरगम सत कर हाल हाल पुत्र कत यमो जन पज कोशिश सठा कोशिश कर ये कशिर जबान ग रचित रोजी तो बेई खास कर नए पुई गमिच पर् जान पूर पा सपद तुम बड़ यह रसिल यह बड़ मीठ तो मोदुर भाषा इस ये माज जव अगर वो नफसियती पहलू नमो नजर तो यह सठा जरूरी यह रचलव तो बचा क्याज इस बच्चे ये थन पेवान तो यह माज दुद गोल अमि जरिए जबान वाता अथ मे वथ बेठ इस मे पत् नचान फेरान खोखु कर पत् इशार पे पकान यह अमिस माज जब तो ये सात यह पत् बढ़ान तो यह जबान ये अमिस बढ़ान तो इस अमुक ओंद पोख ये पत् बढ़ान बढ़ान कह बनित बोड बनित कह सठा बोड़ बनान तम वक्त अमिस अमे अलाक असर अमे आबहवुक असर तो पत् अमुक कश्मीरी ज़बान की ये खूबसूरती है, मुझे लगता है जो मेरी मादरी ज़बान है उसमें ये खूबसूरती है कि उसने फारसी और संस्कृत के अल्फाज को भी इतनी खूबसूरती और इतनी सलासत से अपने में समाया हुआ है और उनको अपने रंग में पिरोया हुआ है। मैं सबको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि वो सब अपनी मादरी ज़बान के तईं बड़े बेदार और होशियार हैं। वहीं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में सागर कल्चर फोरम सिकर पटन की जानिब से मादरी जबान का आलमी दिन मनाया गया। पहली नशिस्त में कश्मीरी जबान को दरपेश मसाइल के हवाले से वादी के मारूफ कलमकारों और अदीबों ने गुफ्तगू की। इस सदारत मारूफ अफसाना निगार रहीम रहबर ने की। इस मौके पर मारूफ ब्रॉडकास्टर अब्दुलरहमान बट मेहमान खसूसी थे। शाद दर्दपुरी और बॉलीवुड अदाकार अख्तर हुसैनी, हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल अब्दुल रशीद बट मेहमान जी वकार की हैसियत से मौजूद रहे। इस तकरीब में काफी तादाद में अदीबों और शुरा ने शिरकत की। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो के साबिका ब्रॉडकास्टर अब्दुलरहमान बट को फोरम की जानिब से एजाज से भी नवाजा गया। प्रोग्राम में उभरते मकामी गुलकारों ने कश्मीरी जबान में मशहूर गीत पेश करके हाजरीन को महजूज किया। तकरीब में एक मुशायरा भी हुआ। वो कौम जिंदा रहती है जिसकी मदर टंग जो है जिंदा रहती है। हमारी मदर टंग कश्मीरी है। अगर ये मदर टंग मर गई, यही तो हमारी अकेली पहचान है। इसको हमें जिंदा रखना है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बच्चों को और जबान सिखाइए, बिल्कुल सिखाइए, आप बच्चों को 10-10 लैंग्वेज सिखाइए, लेकिन अपनी कश्मीरी जबान उसको पहले आनी चाहिए। जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर इस जबान के लिए किया,
اور یقیناً یہ زبان مرنے والی نہیں ہے. ہم نے بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اسلاف نے ہمیں کچھ دیا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی زبان کو پہرادری کرنی ہے, اس چیز کو ہم نے قائم دائم کرنا ہے. عملی طور اس زبان کو فروغ دینے کی کوششیں کیجئے, اور سرکاری اور غیر سرکاری سطح پہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کا حصہ بن جائیے, اور ہم سب مل کر آج کے دن یہ عہد کر لیں کہ ہم اس مادری زبان کو ہمیشہ زندہ رکھنے, اس کے فروغ کے لیے, اس کی ترویج کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا اپنا حصہ ادا کریں. کپواڑہ ضلع میں آج ایک نجی اسکول میں ایک تعلیمی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا. کانفرنس میں ماہر تعلیم, اساتذہ, شہریوں کے علاوہ طلبہ طالبات اور میڈیا نمائندوں نے شرکت کی. اس موقع پر ماہرین اور مقررین نے سماج میں بڑھتے جرائم اور منشیات سے دور رہنے کی بچوں کو تلقین کی, اور بچوں سے کہا گیا کہ وہ اپنا بہتر مستقبل تلاش کریں. اس دوران کشمیری زبان کو فروغ دینے اور اس کی حفاظت کے لیے بھی مقررین نے اس پر زور دیا تاکہ کشمیری زبان کو زندہ رکھا جا سکے. تعلیمی کانفرنس کا جو آج انعقاد کیا, اس میں چند چیزیں زیر غور تھی. مدر ٹنگ, اس کا ڈے جو منایا جا رہا تھا اس پر بھی بات چیت ہوئی, بلکہ بچوں کو بھی آگاہ کیا گیا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو اپنی مدر ٹنگ, اپنی مادری زبان کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے اپنا سہیوگ دینا ہے. ہمارا سماج جو ہے وہ آج دیمک کی طرح چاٹا جا رہا ہے ڈرگ ایڈکشن سے. ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں, نوجوان لڑکے جو ہیں, وہ اس بلا کے شکار ہو رہے ہیں. تو اس بارے میں بھی یہاں پر بچوں کو بھی آگاہ کیا گیا, والدین اور اساتذہ صاحبان نے بھی اپنی شرکت سے اس بارے میں آگاہ کیا کہ اس بلا سے نجات ہماری قومی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے. اس ایجوکیشنل کانفرنس کا یہی مطلب تھا, مقصد تھا کہ جو ڈرگز میں مبتلا ہوتے ہیں ان سے دور کیسے رہیں. اسی بات پہ ہمارے اسٹوڈینٹس نے, ہمارے ٹیچرز نے یہ اس بات پہ زور دیا کہ ڈرگز سے دور کیسے رہیں, برے ماحول سے دور کیسے رہیں. آج کی یہ کانفرنس جو تھی یہ ڈرگز کے حوالے سے, ڈرگز سے ہمیں کیسے چھٹکارا ملے گا, اور دوسرا یہ کہ کشمیری زبان کو اس کو اپنا وہ ایک یوگدان دینے کے لیے, اس کو آگے لینے کے لیے کیسے کوشش کی جائے گی, اسی بارے میں یہ پرٹیکولرلی ہے, اسی لیے یہ کانفرنس رکھی گئی تھی. انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے پر ضلع گاندربل کے مانس بل میں کا ادبی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. این جی او وائس فار پیس اینڈ جسٹس کے کنوینر فاروق گاندربلی نے یہ نظم کرایا تھا. کانفرنس میں کشمیری ادبی دنیا کے نام وشورا اور مصنفین کے ظریف احمد ظریف, شہباز حاکباری اور شمشاد کرال واری نے شرکت کی. اس موقع پہ مقررین نے اپنی نظموں سے حاضرین کو محصور کیا. اس دوران مادری زبان کے تحفظ اور فروغ کی اہمیت پر زور دیا گیا. مقررین نے مادری زبان کی اہمیت اور اس کی ثقافتی پہلوؤں کو اجاگر کیا, اور گھروں میں بچوں کو مادری زبان سے جڑے رہنے کی ترغیب دی. یمہ ملک تیوان یونائٹڈ نیشنس مز نمو یمہ ملک تربراہ یہ سہ پن زبان پن ملک زبان ہند مز کت کر پہ انٹرپرٹر تر ٹرانسلیشن کر پن زبان مز تم کت کر بین الاقوامی فورمن مز تو قشرس تمن چیزن کن نظر تھوت قشر ستی قشر ساری نت وران حیران کاو قشرس قشر کر پر مندش گسن گسن تاس ہے. اور ہم سرکار کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ کشمیری کو پھر سے سکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے, اور ہماری کشمیر کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ماڈرن دور میں مقابلہ کر سکے, ماڈرن ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر سکے, وہاں پہ ہماری بھی گزارش ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھول نہ پائے. اس سیمینار, اس کانفرنس کا یہی مدعا اور مقصد ہے کہ ہم اپنی زبان کو کیسے بچا سکے. مادری زبان کے مناسبت سے آج افغانستان سنبل میں ایک ادبی نشست کا اہتمام کیا گیا, جس میں علاقے کے سرکردہ شعرا اور قلمکار نے حصہ لیا. پروگرام کی صدارت معروف شاعر و مدرس محمد یاسین قادری نے کی, جبکہ ان کے ہمراہ سلیم یوسف, فاروق سنبلی اور سنبلی اور محتاج افغانستانی بھی ایوان صدارت میں موجود رہے. ادبی مرکز کامراز کی نگرانی میں جہلم ویلی کلچر فورم نے یہ پروگرام رکھا تھا. گورنمنٹ ہائی اسکول گرنستان کے باہمی اشتراک سے یہ نشست منعقد کی گئی. اس موقع پہ مقررین نے مادری زبان کی اہمیت اور اس کے تحفظ کے حوالے سے گفتگو کی. اسکولی بچوں نے بھی کشمیری زبان کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے پروگرام پیش کیے.
आज यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल गनस्तान में जहलम वैली कल्चरल फोरम सुंबल और गवर्नमेंट हाई स्कूल गनस्तान के इश्तराक से मादरी ज़ुबान का जो आलमी दिन है इसके हवाले से एक तकरीब का अहतमाम किया गया है। और ये तकरीब यहाँ पर हो रही है ज़ेरी सरपरस्ती अदबी मरकज़ कमराज जम्मू व कश्मीर। तो इस तकरीब में स्कूली बच्चों ने भरपूर शिरकत की। स्कूल हाजा के जो असातिज़ा किराम है सब असातिज़ा किराम ने शिरकत की और कुछ बच्चों ने कश्मीरी ज़ुबान के से अपने मजामीन पढ़े और इसमें मकालात पढ़े गए और जहलम वैली कल्चरल फोरम सुंबल के शोरा किराम ने और इस इलाके के शोरा किराम ने इसमें शिरकत की। मुख्तलिफ उदबाने इसमें शिरकत की। जो मादरी ज़बान है ये बच्चा अपने घर में अपनी माँ से सीखता है। लैंग्वेज के बारे में ये कहा जाता है कि लैंग्वेज इज़ गॉट, लैंग्वेज इज़ नॉट टॉट। जितनी मजबूत एक बच्चे की मादरी ज़बान होगी, जितना वो मादरी ज़बान में ठीक ठाक होगा, उतना वो दूसरी ज़बानें आसानी से सीखता है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे कश्मीर में जो अक्सर लोगों की मेन जो वैली है कश्मीरी ज़बान, हमारी मादरी ज़बान है। इस वक्त सरकारी सतह पर जो दर्सी किताबें हैं उनका तर्जमा हो चुका है प्राइमरी सतह तक कश्मीरी ज़बान में। मसलन साइंस जो है और मैथमेटिक्स जो है कश्मीरी ज़बान में उनका तर्जमा हो चुका है। ज़रूरत इस बात की है, ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कश्मीर के उलमा से जो ज़बान के आलिम हैं कि वो साइंसी जो इस्तिलाहात हैं उनके लिए कश्मीरी इस्तिलाहात वज़ा करें। अनंतनाग के तकिया बहराम शाह में वादी के बरगजीदा औलिया कराम और सूफी बुजुर्ग हजरत बहराम शाह साहब का सालाना उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हुआ। उर्स के दौरान जियारत पर शबखानी और दुरूद अज़कार की महफिलों का अहतमाम हुआ, जिसमें क़िदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की, जबकि उलमाए कराम ने औलिया कराम की शख्सियत और दीन व इंसानियत के तई उनकी खिदमत पर भी रोशनी डाली। हजरत बहराम शाह साहब का दर्स इंसानियत और अमन मोहब्बत के पैगामात को आम करने की इस मौके पर तलकीन की गई। ये करम है हमारे इन सब इलाके में यहाँ, क्योंकि हमें ज़बरदस्त इसका यह है अकीदा इसका, तो हमें इस यह हमेशा हमें हर एक मुसीबत से बचाता है। इसका करम है अल्लाह के फजल करम से और फिर उसके बाद इस बुजुर्ग का हमें हम पर करम। सिलसिला जो है सादात इंद्राबिया से है, तो अपने इस ज़िले में इनका एक बहुत ही बड़ा नाम है कि ये जो खिदमत है तो वो तो किसी तारफ़ के ये मोहताज नहीं है। हमारे इनके हमारे ऊपर बहुत बड़े एहसानात हैं। तो ये गाँव जो है हम बिल्कुल अगर बच जाते हैं, चाहे कोई नागहानी मुसीबत हो, सैलाब होगा, आग होगा, जलजला होगा, कुछ भी हालात होंगे, तो हमें इन ही जो बादशाह हमारे हैं इनका ही फैज चलता है, तो हमें माशाल्लाह कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और ये बारगाह जो है तो बहुत ही इन ये अकीदतमंद लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, लोगों का बड़ा जोश खरोश यहाँ होता है, तो लोगों के हाजात निकल जाते हैं। जिसका भी जिस किस्म की कोई मुद्दा होता है, जो किस्म ये जिस किस्म के हाजात होंगे इनको यहाँ इस बारगाह में वो फैजयाब होते हैं। जिला पुलवामा के कोयल इलाके से ताल्लुक रखने वाले वॉलीबॉल खिलाड़ी हारून रशीद ने कौमी सतह पर में जगह बना ली है। गुज़िश्ता साल हारून ने इंडिया कैंपस में भी जगह बनाई थी, जबकि वॉलीबॉल के कौमी मुकाबले में जम्मू कश्मीर को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में भी कामयाबी पाई है। हारून ने न्यूज़ 18 को बताया कि देही इलाकों के नौजवानों में वॉलीबॉल खेल के हवाले से काफी सलाहियत मौजूद है, ताहम बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं पुलवामा जिला के ताल्लुक रखने वाले हारून रशीद। हारून रशीद वॉलीबॉल खेल से वाबस्ता है, गुज़श्ता कई बरसों से इस खेल से वाबस्ता है। लास्ट ईयर उन्होंने इंडिया कैंपस में भी अपनी जगह बना ली थी, तो इस वक्त ये J&K को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वॉलीबॉल की टीम है। तो इनसे जानेंगे यहाँ तक ये कैसे पहुँचे इस ये सफ़र। सर मैंने स्कूल्स गेम से स्टार्ट किया था, फिर सर मैं गांव में खेल रहा था, मेरी नानी हाल में मंगामा में और मैं कोयल का हूँ।
सर मेरा मामू खेल रहा था वॉलीबॉल, मैंने उससे सीखा है, वहाँ पर बहुत सारे लड़के सीनियर प्लेयर खेल रहे थे, मैंने उनसे सीखा। फिर मैं बाहर निकला सर स्कूल गेम्स की, मैंने प्रोविजनल ये स्टेट खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला यूथ रिसेंट स्पोर्ट्स की तरफ से। फिर मैंने सर मैंने एकेडमी एक ज्वाइन की, इलीट है उसका नाम, इलीट वॉलीबॉल क्लब जो मुनीर आलम सर चलाते हैं श्रीनगर के, मैंने वो एकेडमी ज्वाइन की। और फिर मैं सर मैंने स्टेट खेला पुलवामा की तरफ से, अपनी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से स्टेट रिप्रेजेंट किया। और फिर सर मैंने नेशनल्स में हिस्सा, वेस्ट बंगाल में सर मैंने नेशनल खेला, उसके बाद मेरी सर सिलेक्शन हुई इंडिया कैंप में, मैंने सर इंडिया कैंप अटेंड किया। और पिछले साल 2022 में सर हमारा जो नेशनल होस्ट किया J&K ने, उसमें हमारा ब्रोंज मेडल निकला, पहला मेडल है टीम गेम का हमारा। अब सर हम बात करें कश्मीर की, यहाँ पे सर हमारे लिए वो इंडोर फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि हम विंटर में हमें जाना पड़ता या तो स्टेट से बाहर जाना पड़ते खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ तो खेल नहीं सकते क्योंकि सर्दी है, बर्फ है, खेल नहीं सकते। उसके लिए सर हमें इंडोर चाहिए, और सर कश्मीर में रेजिडेंशियल कैंपस होनी चाहिए ताकि वो कोचेस मिले हमें सिखाए। हारून रशीद जिन्होंने जो J&K को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉलीबॉल खेल में, और इनका कहना है कि जो अगरचे टैलेंट है काफ़ी यहाँ के रूरल एरियाज़ के लड़कों में, खिलाड़ियों में इस गेम के हवाले से, ताहम अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, खासकर जो इंडोर स्टेडियम्स उनमें ऐसी सहूलियात होनी चाहिए ताकि ऐसे खिलाड़ी जो है साल भर अपनी जो प्रैक्टिस है वो जारी रख सके। बिलाल खान, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, पुलवामा।